हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मैं एनसीईआरटी नहीं, आज मैं आपको क्लास 12 की इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। और क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसमें आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि राजकोषीय नीति क्या होती है और मौद्रिक नीति क्या होती है। ठीक है, आज हम इस दो पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है राजकोषीय नीति और फिर यहाँ पे लिखा है मौद्रिक नीति। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि राजकोषीय नीति क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर्स भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको राजकोषीय नीति के बारे में मिलेगा। तो यहाँ पे राजकोषीय नीति जो है ये बजट से संबंधित होता है। तो ये जानते हो कि एग्ज़ाम में बजट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको राजकोषीय, चाहे आप कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा ही, चाहे वो 12 की इकोनॉमिक्स पढ़ो या 10 की पढ़ो, किसी भी क्लास की पढ़ो, तो उसमें आपको राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम लोग समझेंगे कि राजकोषीय नीति या राजकोषीय उपाय क्या होता है और मौद्रिक नीति या मौद्रिक उपाय क्या होता है। तो हम लोग आज यही समझने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स का है और हम लोग आज इसे समझेंगे, इस पॉइंट्स को। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है राजकोषीय नीति, या इसे कहा जाता है राजकोषीय, इसे आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, इसे राजकोषीय नीति या फिर इसे राजकोषीय उपाय भी कहा जा सकता है और कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, अभी समझते हैं कि राजकोषीय नीति या फिर राजकोषीय उपाय क्या होता है, ये नीति कहाँ अपनाई जाती है। तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए राजकोषीय नीति या राजकोषीय उपाय का अभिप्राय ये होता है कि सरकार की आय या व्यय नीति से है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि राजकोषीय जो नीति होती है, इसका मतलब ये है, मतलब इसका अभिप्राय, इसका तात्पर्य ये होता है कि जो सरकार होती है, सरकार की जो आय व्यय यानी कि जो लेखा जोखा होती है, उस मतलब उस नीति से संबंधित है। मतलब जैसे कि आप जानते हो कि जो बजट होता है, जो लोकसभा में पेश किया जाता है, तो वो वार्षिक बजट होता है ना, मतलब जो वर्ष का जो लेखा जोखा होता है तो वो सरकार के समक्ष पेश किया जाता है एक मतलब निश्चित वर्ष में। तो यहाँ पे वही है, मतलब यहाँ पे सरकार की जो आय व्यय होती है, मतलब सरकार कितना कहाँ खर्च कर रही है, उसका लेखा जोखा इसी नहीं, मतलब उसी को कहते हैं क्या, सरकार की आय या फिर व्यय नीति से है, मतलब इसका अभिप्राय। समझ गए आप, अभी समझिए, इसे सरकार की बजट नीति या फिर बजट संबंधित नीति भी कहा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको राजकोषीय नीति के बारे में अगर दे दिया जाए कि आपको राजकोषीय नीति पर लिखना है, टिप्पणी करना है, तो आपको यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो। बस आपको इतना पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए कि बजट जो जो ये राजकोषीय नीति होती है, इसे अपनाया कहाँ जाता है और इसे अपनाता कौन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसका अभिप्राय सरकार की आय या व्यय नीति से है, ठीक, यानी कि लेखा जोखा। यहाँ आय और व्यय का मतलब समझो, मैंने आपसे आपको कहा आय या व्यय, तो मतलब होता है जैसे कि लेखा जोखा, ठीक है, तो आपको इसे समझना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे क्या है, इसे बजट संबंधित नीति भी कहा जाता है। किसे, राजकोषीय नीति को। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं बताना है कि जो राजकोषीय नीति होती है वो सरकार की आय व्यय यानी कि लेखा जोखा से संबंधित होती है। इतना ही नहीं, इसमें आपको इतना भी ध्यान में रखना है कि इस नीति को अगर देखो वहाँ पे अगर जैसे कि राजकोषीय नीति के बजाय आपको दे दिया जाए बजट संबंधित नीति, इसे कहते हैं, और फिर या फिर आपको दे दिया जाए कि राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है, या फिर आपको कहा जाए कि बजट संबंधित नीति या फिर सरकार का आय यानी जो लेखा जोखा नीति होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति से तात्पर्य निकालना होगा। तो यहाँ पे समझिए, अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ में आए जो मैंने आपको बताया कि अभिप्राय यानी कि राजकोषीय नीति या राजकोषीय उपाय से अभिप्राय सरकार की आय व्यय नीति से है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो इतना ये समझो, बस आपको इसमें हिंट्स चाहिए, पॉइंट्स पकड़ना है। देखो अभी दूसरा पॉइंट्स क्या है, इसे सरकार की बजट नीति, आप इतना तो समझ ही सकते हो, जो सरकार का बजट होता है, जो पेश किया जाता है, उसको समझिए, क्या, इसे सरकार की बजट नीति, किसे, राजकोषीय नीति को सरकार की बजट नीति या बजट संबंधित नीति या बजट संबंधित नीति भी कहा जाता है। किसे, राजकोषीय नीति को। अब फिर आगे चलते हैं, राजकोषीय नीति से
तात्पर्य सरकार की बजट संबंधित नीति से है। मैंने आपको कहा ना कि जो सरकार होती है उसकी जो बजट संबंधित नीति, अर्थात यहाँ समझो बजट संबंधित मतलब जो लेखा जोखा सरकार का होता है उससे संबंधित होती है, वो एक नीति होती है क्या, राजकोषीय नीति। तो वहाँ पे ये कह रहा है जो अर्थव्यवस्था में अधि या न्यून मांग की स्थितियों को ठीक करने के लिए अपनाई जाती है। अब पॉइंट्स ये समझो कि ये बजट नीति को अपनाया कहाँ जाता है, इस बजट नीति को अपनाया कहा जाता है। आपने तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखा कि राजकोषीय नीति होती क्या है, क्लियर हुआ ये। तो अब इसके आगे चलते हैं कि ये नीति जो होती है राजकोषीय नीति, इसे अपनाया कहाँ जाता है। तो यहाँ आपको ये समझना है, मैंने आपको कहा कि राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार की बजट संबंधित नीति से है, अर्थात जो लेखा जोखा होता है सरकार का, ठीक है, बजट संबंधित नीति से है। यहाँ पे एक बात और समझो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सरकार की बजट संबंधित नीति, तो मतलब आप जैसे जानते हो, जैसे आप ले लो सरकारी व्यय, सरकारी व्यय के अंतर्गत जो भी सार्वजनिक कार्य होते हैं, जैसे सड़क बनवाना हो गया, पुल, बांध, ये सब चीज़ें जो होती है, इस पर जो व्यय किया जाता है उस व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसी को कहते हैं बजट संबंधित नीति, ठीक। तो ये हो गई, अब ये समझिए तात्पर्य सरकार की बजट संबंधित नीति से है जो अर्थव्यवस्था में, अब क्या करता है, राजकोषीय नीति जो होता है ये अर्थव्यवस्था में अधिक या कम, मतलब ज़्यादा या कम जो मांग होती है, ठीक है, जो मांग होती है उस स्थिति को क्या करता है, उस स्थिति को ठीक करने के लिए ये नीति अपनाई जाती है। जैसे मैं आपको बताऊँ जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे बाज़ार हो गया, ठीक है, अब वहाँ पे जो अधिक मांग हो रही है, अधिक मांग हो रही है, तो वहाँ पे कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई वहाँ, भाई यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, यानी कि उस अर्थव्यवस्था में अधिक मांग या न्यून मांग की स्थिति हो रही है, कोई अधिक मांग कर रहा है तो कोई कम मांग कर रहा है, तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को संभालने के लिए, उस स्थिति को ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति को क्या कहा जाता है, अपनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स याद रखना है कि राजकोषीय नीति को अपनाया कहाँ जाता है, तो राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार की बजट संबंधित नीति से है जो अर्थव्यवस्था में अधिक मांग, मतलब अधिक या कम मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए अपनाई जाती है। क्लियर पॉइंट कि नीति होता क्या है, और ये नीति जो होती है राजकोषीय नीति को अपनाया कहाँ जाता है। अब हम आगे भी पढ़ेंगे मतलब इसके अंतर के बारे में। अब चलिए हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर मौद्रिक नीति क्या है, यानी कि अब ये समझो इसे मौद्रिक नीति या फिर इसे मौद्रिक उपाय भी कहा जाता है, किसको, इस नीति को, मतलब मौद्रिक नीति को, या आप इसे मौद्रिक नीति या फिर मौद्रिक उपाय भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये नीति क्या होती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट समझना, जो मौद्रिक नीति होती है वह नीति होती है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में ब्याज दर या साख उपलब्धता को नियंत्रित करके, जो नियंत्रित करके अधिक या न्यून मांग की स्थितियों को ठीक किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा, मतलब अर्थव्यवस्था में जो ब्याज दर होती है, ठीक, अर्थव्यवस्था में जो ब्याज दर होती है यानी कि जो साख की उपलब्धता होती है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसकी जो अधिक मांग होती है या कम मांग होती है, तो उस स्थितियों को ठीक करने के लिए भी मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है, ठीक। आप समझ गए क्या होता है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि मौद्रिक नीति में और राजकोषीय नीति में अंतर क्या होता है, तो अब हम लोग इसके अंतर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आपको समझना है, यहाँ पे मैंने लिखा है मौद्रिक नीति और यहाँ पे लिखा है मैंने राजकोषीय नीति। अब इसमें आपको समझना क्या है अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मौद्रिक नीति जो होता है यह साख पूर्ति को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में अधिक या न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने की नीति होती है क्या, मौद्रिक नीति। आप समझिए जो यह साख पूर्ति यानी जो साख की पूर्ति होती है उसको नियंत्रित करने के, मतलब उसको नियंत्रित किया जा सके, इस वजह से अर्थव्यवस्था में जो अधिक मांग होती है और जो कम मांग होती है उस मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए इस नीति को अपनाया जाता है, किसको, मौद्रिक नीति को। अब हाँ हम लोग ये देख लेते हैं कि राजकोषीय नीति को कब अपनाया जाता है। तो यहाँ पे समझिए ये सरकारी आय व्यय को प्रतिबंधित करके अर्थव्यवस्था में ज़्यादा या कम मांग की स्थितियों को ठीक करने के लिए अपनाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको पता है, इसमें अंतर ये दिख रहा है कि यह साख पूर्ति को, क्या, ये साख पूर्ति को नियंत्रित
करके अर्थव्यवस्था में जो अधिक मांग होती है, अर्थव्यवस्था में जो अधिक या कम मांग होती है, उस स्थिति को ठीक करने के लिए अपनाया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये सरकारी आय, यहाँ पे देखो ये जो राजकोषीय नीति होता है, मैंने आपको कहा कि सरकारी आय, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, जैसे सरकारी व्यय हो गए, सरकारी व्यय जैसे जो सार्वजनिक कार्यों पर खर्च किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सड़क बनवाना हो गया, पुल हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब सार्वजनिक चीज़ों में तो मतलब पैसा व्यय होता है ना, तो यहाँ पे ये हो गया सरकारी व्यय। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सरकारी आय हो गया, जैसे सरकारी आय हो गया या सरकारी व्यय हो गया, उसको प्रतिबंधित करके, यहाँ पे सरकारी आय और व्यय की बात हो रही है, ठीक है, सरकारी आय व्यय को प्रतिबंधित करके अर्थव्यवस्था में ज़्यादा या कम मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए अपनाया जाता है। देखो यहाँ पे भी अर्थव्यवस्था की बात आ रही है और इसमें भी अर्थव्यवस्था की बात आ रही है, लेकिन बस यहाँ अंतर थोड़ा सा है कि यह जो साख पूर्ति को नियंत्रित करती है, जबकि ये सरकारी आय व्यय को प्रतिबंधित करके अर्थव्यवस्था को संतुलन प्रदान करती है, मतलब उसे बैलेंस करती है, ठीक, यहाँ पे ये अंतर हुआ। दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि देश के केंद्रीय बैंक के यानी कि भारत में से कि RBI के द्वारा अपनाई जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि देश में किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, तो अगर हम भारत की बात करें कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, जैसे कि RBI, तो यहाँ पे RBI के द्वारा इस नीति को अपनाई जाती है, किसको, मौद्रिक नीति को। फिर यहाँ पे कोष की, यहाँ पे जो राजकोष की नीति है उसको देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है, यह देश की सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। अब यहाँ समझो, यहाँ बात यह है कि देश की सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, मतलब यहाँ पे तो आपने देखा कि इस नीति को केंद्रीय बैंक अपनाती है, जबकि किस नीति को, मौद्रिक नीति को, यहाँ पे हमने देखा कि केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाया जाता है, जबकि यह देश की सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, कौन सी नीति, राजकोषीय नीति, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आपका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं, जैसे रेपो दर हो गया और यहाँ पे खुले बाजार की क्रियाएँ हो गई आदि है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आप समझ सकते हो, यहाँ पे जैसे रेपो दर हो गया, अब ये समझो कि यहाँ पे रेपो दर का क्या मतलब है, मैंने यहाँ उधार यहाँ पे लिखा है कि मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण हैं जैसे रेपो दर, ठीक है, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं, तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि ये रेपो दर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ, रेपो दर को समझ लेते हैं, तो एक बात इसमें याद रखना कि रेपो दर जो है, ये दर, इसे बैंक दर भी कहते हैं, रेपो दर को बैंक दर भी कहा जाता है, और रेपो दर वह दर होता है जिसपे केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को क्या करता है, उधार देता है, तो उसे कहा जाता है रेपो दर। तो रेपो दर को आप कह सकते हो क्या, बैंक दर, ठीक है, आप रेपो दर को बैंक दर भी कह सकते हो, और रेपो दर को बैंक दर भी कहा जा सकता है। तो रेपो दर या फिर बैंक दर वह दर होता है जिसपे केंद्रीय सरकार किसी वाणिज्यिक को क्या करती है, उधार देती है, मतलब वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उनको उधार देती है, तो उसी को कहा जाता है रेपो दर या फिर बैंक दर, ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें राजकोषीय नीति के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कर हो गया, फिर सरकारी व्यय हो गए, केंद्रीय बैंक से उधार आदि चीज़ें हो गई, तो मैंने आपको बताया था राजकोषीय नीति के उपकरण जैसे सरकारी व्यय, तो आपको मैंने बताया था कि सरकारी व्यय के अंतर्गत जैसे कि जो सार्वजनिक कार्य के लिए पैसे मतलब व्यय किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, निवेश किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सरकारी व्यय, और सरकारी व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, राजकोषीय नीति। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि राजकोषीय नीति को कब अपनाया जाता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और यदि नहीं भी समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, हम उसे पुनः बताने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।